हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी जो टारगेट मार्केट है या जिन लोगों को हम ना मार्केटिंग कंटेंट दिखाना चाहते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारी की सारी टारगेट मार्केट एक ही कम्युनिटी का पार्ट हो। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मार्केट के बहुत अलग अलग लोग हैं जो अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग कम्युनिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बट अगर ऐसा होगा तो ये भी होगा कि उन सबकी अलग वैल्यूज़ हैं, उन सबका जो हमारे साथ इंटरेक्ट करने का तरीका है वो अलग अलग है। बट अगर हम इसको अब देखें तो अगर हम एक ही अपना मार्केटिंग कैंपेन चलाएँ तो उस मार्केटिंग कैंपेन की जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो मे भी ऐसा हो कि हमारा मार्केटिंग कैंपेन किसी बंदे को हर्ट कर जाए, किसी की वैल्यूज़ के साथ वो मैच ना करता हो। तो डाइवर्सिटी मार्केटिंग यही होती है। डाइवर्सिटी मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ डिवाइडेड है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, हम उन सबकी वैल्यूज़ देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ ऐसी हैं, इनकी वैल्यूज़ ऐसी हैं। और जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए उनके हिसाब से अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स चला रहे हैं। या हम अगर सिर्फ एक सिंगल कैंपेन चला रहे हैं तो हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि किसी भी कम्युनिटी की वैल्यूज़ को हर्ट ना कर दे। बाद में कोई बंदा आके ये ना कहे कि यार ये जो मार्केटिंग कैंपेन में इस बंदे ने बोला ये मेरे रिलीजन्स के खिलाफ है, मैं इस बंदे को फॉलो नहीं करूँगा। ये हमारे लिए बैकफायर कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम मार्केटिंग करते हैं हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम हर एक अलग अलग कम्युनिटीज़, हर एक अलग अलग ग्रुप्स की सारी जो वैल्यूज़ हैं उनका ध्यान रखें, उनको मार्केटिंग कैंपेन के अंदर अपने इंक्लूड करें पॉजिटिवली। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बंदे को लगे ये उसके खिलाफ है। जैसे 2020 के अंदर एक जो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी है, उन्होंने अपनी जो ऐड चलाई वो ऐड किसी एक कम्युनिटी की वैल्यूज़ के खिलाफ थी। तो उस कम्युनिटी के लोगों ने उस ऐड पे बहुत ज़्यादा आउटरेज दिखाया, उस जो कंपनी की शॉप्स थी उस शॉप्स पे तोड़ाफोड़ी गई, बेसिकली उस कंपनी को बॉयकॉट किया। बट आप ये बताइए वो कौन सी ब्रांड का नाम था। मैंने आपको नाम नहीं बताया, आपको ये रिसर्च करके बताना है कि जो मैं ज्वेलरी बिजनेस की बात कर रहा हूँ वो ज्वेलरी बिजनेस का नाम क्या था और उसका जो पेरेंट कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी कौन है, ये आप कमेंट्स में को ज़रूर बताना। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि अगर हम किसी कम्युनिटी की वैल्यूज़ के खिलाफ अपनी कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे तो लोग हमारे को बॉयकॉट करेंगे और उस ऐड का मान नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। जैसे उस कंपनी ने बाद में अपनी वो ऐड सारे प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी और कोशिश की कोई भी प्लेटफॉर्म पर लोगों को वो ऐड ना देखे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोग वो ऐड देख रहे हैं उतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा है कंपनी के लिए अच्छी अवेयरनेस फैल रही है, कंपनी के लिए बुरी अवेयरनेस फैल रही है कि यार ये कंपनी हमारे खिलाफ जा रही है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी होती है कि ऐसा हमारी ब्रांड के साथ ना हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो अगर हमारी कंपनी किसी दूसरी कंट्री में एक्सपैंड कर रही है या हमारी कंट्री के अंदर ही कोई ऐसे दूसरे हिस्से में एक्सपैंड कर रही है तो हमें ये देखना होता है कि वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं या उस एरिया में लोग क्या क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है। जैसे आप ये एग्जांपल लेके चलो, अगर आपकी कंपनी कहीं बाहर एक्सपैंड कर रही है तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपने ऐड इंडिया में चलाई या जो आपका मार्केटिंग कैंपेन इंडिया में चला ये सेम मार्केटिंग कैंपेन दूसरी कंट्री में भी चलेगा। ये हो सकता है कि वहाँ की कंट्री के लोग कहें यार ये जो ये हमें कंपनी कह रही है हम तो इसको फॉलो नहीं करते, हमें तो कुछ और लगता है, तो मे बी वो लोग आपको बॉयकॉट करने लग जाए और आप बाहर सही से एक्सपैंड ना कर पाए। जैसे अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात लेके चलें तो मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया तो स्टार्टिंग में मैकडोनल्ड्स इतना चल नहीं रहा था, लोगों को लगा था कि ये तो कोई बहुत प्रीमियम सर्विस है, ये बहुत पैसा चार्ज करते होंगे, तो लोग मैकडोनल्ड्स के अंदर जान नहीं थे, उसकी बहुत कम थी। तो मैकडोनल्ड्स ने ये एनालाइज किया कि इंडिया में उस टाइम पे मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनको लग रहा है कि हम कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, इंडिया की डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उन्हें अपने स्पेशल बर्गर्स लॉन्च किए। जैसे अगर आप आलू टिक्की बर्गर की बात लेके चलो तो आलू टिक्की बर्गर में बहुत सालों तक वो लॉस झेल रहे थे, उनका ये पीछे की थिंकिंग थी हमें लोगों को ये दिखाना है कि आपके जो आसपास वाले स्टोर्स हैं जिस प्राइस पे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वही सेम प्राइस में उससे बढ़िया क्वालिटी में प्रोडक्ट आपको मैकडोनल्ड्स के अंदर मिलेगा। तो वो आलू टिक्की बर्गर्स, मैकपफ जैसे उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो स्पेसिफिकली इंडिया की डेमोग्राफिक के बेस थे, उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लॉस झेला। उन्होंने ये कहा कि ठीक है यार स्टार्टिंग में हम लॉस झेल रहे हैं, बट धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाना शुरू करी। और आप हमेशा ये देखते होंगे कि आप मैकडोनल्ड्स में कभी भी जाएं वो आपको कहते हैं सर इसके साथ मील ऑर्डर कर लीजिए, जो भी आप बर्गर ले रहे हैं उसके साथ आप फ्राइज और कोक एक्स्ट्रा ले लीजिए तो आपको एक मील कन्वर्ट हो जाएगी, आपको सस्ते में पड़ जाएगा। बट बेसिकली जो भी वो प्रॉफिट कमा रहे थे स्टार्टिंग में उस टाइम पर वो उस मील से कमा रहे थे, क्योंकि जो उनका सिंगल आलू टिक्की बर्गर था उससे तो उनको लॉस हो रहा था। तो अगर आप चाहते हो कि मैकडोनल्ड्स इंडिया से बाहर निकल जाए तो उनका आलू टिक्की बर्गर लेना शुरू कर दो, उस बर्गर लेने से वो सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट कमाते हैं, बेसिकली उस बर्गर से उनको लॉस ही हो रहा होता है। उनकी थिंकिंग ये होती है कि आप उनका मील्स ले हो या उनके आप महंगे महंगे बर्गर्स ले हो जिस पर वो बाद में प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे हमारा मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल था, वो जिस भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाता है वो उस कंट्री की डेमोग्राफिक्स के हिसाब से
कंट्री के जो लोगों का टेस्ट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप वैष्णो देवी जाओगे तो उसका वर्ल्ड का ऐसा पहला स्टोर है जो 100% वेजिटेरियन स्टोर है। उन लोगों ने कहा कि यार ये जो वैष्णो देवी है ये एक रिलीजियस साइट है, तो यहाँ पे हमें नॉनवेज सेल नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ वेज बर्गर सेल करना शुरू किया। लोगों को वो बहुत पसंद भी आया कि ठीक है यार रिलीजियस साइट पे अच्छा है कि ये लोग नॉनवेज सेल नहीं कर रहे। तो ऐसे ही अगर आप कहीं एक्सपैंड कर रहे हो आपको ये देखना है कि वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं वहाँ पे लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। तो चलो देखते हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटी मार्केटिंग है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है इन कल्चर मार्केटिंग। इन कल्चर मार्केटिंग के अंदर हम ये करते हैं कोई एरिया के जो प्रॉपर ट्रेडिशंस है या जो वहाँ का कल्चर है हम उसको स्टडी करते हैं और अपने प्रोडक्ट में या अपने मार्केटिंग कैंपेन में उसके हिसाब से चेंजेस लेके आते हैं। जैसे हमने मैकडॉनल्ड्स का भी एग्जांपल देखा, उन्होंने वैष्णो देवी के अंदर जो अपना रेस्टोरेंट सेटअप किया वो उन्होंने वहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस को देख के सेटअप किया कि यहाँ पे हमें नॉनवेज सेल नहीं करना। जो हमारा इसमें सेकेंड कॉम्पोनेंट आता है वो है इन लैंग्वेज मार्केटिंग। इन लैंग्वेज मार्केटिंग में क्या करते हैं कि जो अगर कई स्टेट की कोई लोकल लैंग्वेज है अपने मार्केटिंग कैंपेन में उन लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ पे जो बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कई बिलबोर्ड्स वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में लगे होते हैं, या पंजाब की साइड में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो बिलबोर्ड्स लगे हैं या जो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर लैंग्वेजेस का लोग यूज़ कर रहे हैं वो पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जिससे एक वो कंज्यूमर के साथ पर्सनल कनेक्ट फॉर्म कर पाए। जैसे अगर आप कोई पंजाबी ऐड देखो तो पंजाबी ऐड के लोग अंदर पंजाबी बोल रहे होंगे, जिससे जो पंजाबी लोग हैं जो पंजाब में लोग रहते हैं वो कनेक्ट फील कर पाएंगे ठीक है यार ये तो हमारी लोकल की ब्रांड है, ये ब्रांड हमें जानती है, हमें पहचानती है ये ब्रांड। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इन पीपल मार्केटिंग। इन पीपल मार्केटिंग के अंदर लोग ये करते हैं कि अगर वो किसी स्पेसिफिक जगह के अंदर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ के जो वो लोकल पीपल है उनको अपने मार्केटिंग कैंपेन के अंदर यूज़ करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि कहीं और से वो किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, बल्कि जो वहाँ के लोकल सेलिब्रिटीज़ हैं या जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उनका यूज़ करेंगे अपनी मार्केटिंग के अंदर। जैसे अमेरिका के अंदर ब्लैक और वाइट के बीच डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा चलता रहता है, तो वहाँ के जो ब्रांड्स हैं जब उन्होंने देखा कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी मार्केट हो सकती है, तो उन्होंने ब्लैक लोगों को यूज़ किया या उन्होंने डार्क स्किन वाले लोगों को यूज़ किया अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे ब्लैक और वाइट के बीच में, हम सबको साथ लेके चलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो हम ब्लैक लोगों को भी एक चांस दे रहे हैं कि हमारी मार्केटिंग कैंपेन का पार्ट बन दो। तो चलो अब और एग्जांपल्स देखते हैं कि डाइवर्सिटी मार्केटिंग का कंपनीज कैसे यूज़ कर रही हैं। जैसे 1990s के अंदर जब पेप्सी इंडिया में दोबारा उसने एंट्री ली तो उसने देखा यार हमें कुछ ऐसा करना है कि हम पूरी इंडिया के लिए एक यूनिफाइड कैंपेन चला पाएँ कि सबको एक टुगेदरनेस वाली फील आए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये देखा कि जब इंडिया के किसी भी पार्ट में चले जाओ क्रिकेट तो सब लोगों को पसंद है, तो उन्होंने क्या करा क्रिकेट से रिलेटेड ही अपना मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें जो भी वो चीज़ें दिखा रहे हैं वो सारी क्रिकेट से रिलेटेड है। उन लोगों ने एक फीलिंग लोगों को ये जगाई कि देखो जैसे इंडिया के अंदर सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं वैसे इंडिया के अंदर सारे लोग पेप्सी भी पियेंगे। तो उन्होंने टुगेदरनेस वाली फीलिंग लेके आया, वो ये नहीं लेके आया कि आप अलग हो आप अलग हो, उन्होंने कहा जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हम सब के लिए सारी सेम है। बट अगर पेप्सी ऐसा कर रही है तो कोक ने भी तो ऐसा करना ही था ना। तो एक बार कोक का सुपर बोल के टाइम एक कैंपेन लॉन्च हुआ और कोक इज़ अ कोक। उस कैंपेन में उन्होंने क्या करा कि जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उन सब ने ये दिखाया कि वो सारी कम्युनिटीज़ एक साथ लेके चलती हैं, उन कोक के लिए सारी के सारे लोग चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं वो सारे के सारे लोग उन लोगों के लिए सेम है, वो कोई भी बंदे के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे चाहे वो कैसा भी है, कोक की नज़रों में सब लोग सेम। चलो इसका और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक बार एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया गया गिनीज बास्केटबॉल व्हीलचेयर कैंपेन, उसमें क्या था 6 लोग व्हीलचेयर पर बैठ के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बट उस कैंपेन के लास्ट में दिखाया गया कि सिर्फ एक ही बंदा है जो एक्चुअली डिसेबल्ड है, बाकी जो 5 लोग हैं वो तो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं। वो लोग 5 के 5 लोग ठीक थे, वो उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, बट वो क्योंकि अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाह रहे थे इसलिए वो 6 के 6 लोग व्हीलचेयर पर बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो इस कैंपेन से वो कंपनी ये दिखाना चाह रही थी कि चाहे आप कैसे भी हो चाहे आपको कोई डिसेबिलिटी भी है हम लोग आपके साथ हैं, हम आपके लिए केयर करते हैं, हम कोई फ़र्क नहीं करते कि ये बंदा अलग है ये बंदा अलग है, हम सब लोगों को एक ही नज़र से देखते हैं, हम सब देखते हैं कि सबके सब लोग एकदम परफेक्टली फाइन। तो चलो हम अगला एग्जांपल देखते हैं जो हार्ले डेविडसन का है। अगर हम हार्ले डेविडसन की बात लेके चलें तो जो उनकी बाइक्स हैं लोग उसको मेल से रिलेट करते हैं कि मेल लोग ही इनकी बाइक चलाएंगे, तो बट हार्ले डेविडसन वाली कंपनी ने कहा कि यार हम ऐसे फीमेल डिस्क्रिमिनेशन की हो रही है, ये बाइक्स को कोई भी चला सकता है चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो उन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में क्या किया, जो बाइक लोग चला रहे हो सारी की सारी फीमेल्स एक ग्रुप बना के बाइक चला रही हैं, उस पूरी एड कैंपेन में उन्होंने किसी भी मेल का यूज़ नहीं किया, कोई मेल नहीं दिखाया कि कोई मेल बाइक चला रहा है, बट जितनी भी फीमेल है उन्होंने पूरा ऐसे गर्ल गैंग बनाया हुआ है और गर्ल गैंग बना के अपनी बाइक चला रही है। तो इस कैंपेन की मदद से उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि हमारे लिए कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई गर्ल्स बाइक चलाएं या कोई बॉयज़ बाइक चलाएं, हमारे लिए दोनों लोग सेम है।
बट अब ये देखते हैं कि अगर आपकी कंपनी डाइवर्सिटी मार्केटिंग का यूज़ नहीं करती या ये नहीं देखती कि लोगों की वैल्यूज़ कैसे हैं, तो उससे कितने बड़े बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। जैसे एक बार डॉल्जी एंड गबाना चाइना के अंदर एक इवेंट लॉन्च कर रही थी, तो उस इवेंट से एक दो दिन पहले उन्होंने अपनी एड कैंपेन चलाई जिसमें कोई चाइनीज़ लड़की है वो चॉपस्टिक से इटालियन फूड खा रही है, बट जो उसका खाना खाने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा क्लमजी था, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से खाना खा रही थी। तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि हमारे ट्रेडिशंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये कैसे कर सकता है कि हमारी वैल्यूज़ को क्या गलत साबित कर रहा है। तो लोगों ने कहा हम इनकी कैंपेन में नहीं जाएंगे, हम इनके इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फाइनली उनका पूरा इवेंट ही कैंसिल हो गया क्योंकि उन्होंने सही से मार्केट रिसर्च नहीं करी कि वहाँ पे लोगों की वैल्यूज़ कैसी हैं। ये जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये अगर वो थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करते या थोड़ा सा ये देखते कि वहाँ के लोग अपने जो चॉपस्टिक से खाने वाला तरीका है बहुत उसमें अच्छा फील करते हैं, तो मे बी वो इस चीज़ को अपने कैंपेन में यूज़ ना करते और मे बी ऐसा डिजास्टर ना होता। तो अगर आप कभी भी अपना कैंपेन चला रहे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि वो किसी भी कम्युनिटी की वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कम्युनिटी कह रही है कि यार ये हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ है, हम इनको बॉयकॉट करेंगे। अगर ऐसा होगा तो जितने भी आपने पैसे स्पेंड करे हैं वो बैकफायर हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सही से मार्केट रिसर्च करिए, लोगों की वैल्यूज़ को देखिए, अपने कस्टमर को और अच्छे से पहचानने की कोशिश कीजिए, इससे आपका कस्टमर बाद में आके आपको बॉयकॉट ना करे। तो गाइज़ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।